अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एसएसएन बर्ड्स एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में आप लोगों को अपने जो जितने भी परिंदे पेयर्स टेम आइटम सबकी जो है रूटीन दिखानी थी कि कैसे हम जो है उनको कितने बजे खाना देते हैं, कैसे खाना देते हैं। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो आए आपको दिखाते हैं। ये भी सारा हमने जो है कर लिया है, सबकी प्यालियाँ निकाल दी हैं, सब कुछ तैयार कर दिया है। सबसे पहले तो हम जो है प्यालियाँ निकाल के धो लेते हैं। दो दिन में एक दफ़ा प्यालियाँ धुलती हैं, हफ्ते का केस नहीं है और रोज़ रोज़ का भी नहीं है, दो दिन में एक दफ़ा लाजमी जो है प्यालियाँ धुल जाती हैं हमारी। रोज़ का पानी नया डलता है, रोज़ का जो है खाना नया डलता है। जो हम खाने में दे रहे हैं वो लौकी दे रहे हैं, सेब दे रहे हैं, बाकी जो जब आम का सीज़न होता है तो अभी तो खैर आम का सीज़न एंड हो रहा है तो मज़ेदार आम नहीं आ रहे थे। जब शुरू शुरू के आम होते हैं तो थोड़े बहुत आम देते हैं, मतलब छोटा सा ट्रेनी दे देते हैं। आम का सीज़न होता है अमरूद दे देते हैं, तो सीज़न के फल देते हैं। जो चीज़ें नहीं देनी होती वो भी इंशाल्लाह आपको बाद में बता देंगे। तो सबसे पहले जो है दाने की प्यालियाँ निकाल के इनमें जो है इनको धो के फिर जो है साफ़ पानी, और ये लौकी के तकरीबन चार चार टुकड़े लौकी के डाल दें क्योंकि दो होते हैं ना। ये सेब काट के हमने तैयार किए हैं, इसके दो से तीन टुकड़े डाल देंगे, तीन टुकड़े सेब के डाल देंगे, तीन चार टुकड़े लौकी के। ये साफ पानी नया सादा पानी देंगे, ना ठंडा ना गर्म। थोड़े से बीज और तीन से चार जो है दाने मूंगफली के। तो ऐसे ही जो है सबका दाना पर कर देंगे, ऐसे ए टू जेड सबको जो है दाना पानी दे देंगे, पानी साफ डालेंगे। और रिंगनेक में भी ऐसे ही होता है, सिर्फ क्वांटिटी कम होती है, दो टुकड़े लौकी के दो टुकड़े सेब के, और पहाड़ी में चार टुकड़े लौकी के और तीन टुकड़े जो हम सेब के डालते हैं। ये भी हमने इन सबको डाल दिया। ये 10 जोड़े हैं जिसमें मिक्स है, क्रीमिनो भी है और पहाड़ी भी है और रिंगनेक भी है। पीछे जो है वो सिर्फ रिंगनेक है, उनका आपको एंड में दिखाएंगे। अभी गिरे का दिखाते हैं दाना पानी करते हुए, आ जाए। ये गिरे के रूम में आ गए, गिरे का हमें सेपरेट रूम दिया हुआ है। अभी गिरे को आपको जो है प्यालियाँ निकाल के जैसे हमने पहाड़ी का किया वैसे ही करेंगे। सारा कुछ हमने कर लिया है, सिर्फ आपको दो जोड़ों को करके दिखाएंगे और बाकी डाल के आपको दिखा। ये सिर्फ दो जोड़ों को हमने छोड़ दिया है, बाकी सबकी जो प्यालियां निकल गई हैं और दाना पानी सबका तैयार है। अभी दिया किसी को भी नहीं है, देंगे सबको एक साथ ही। तो आए आपको दिखाते हैं। तो बाकी मैंने जैसे बताया आपको सबकी निकाल दी, दो का करते हुए आपको दिखा देंगे। तो पहले सबकी प्यालियां निकाल देंगे, लेकिन ये प्यालियां ये गंदी कर देते हैं, कभी इस पे वॉशरूम कर देते हैं, कभी जो है बीच के ऊपर पानी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से प्यालियाँ गंदी हो जाती हैं। तो प्यालियाँ जो है धो लेते हैं, रोज़ धुलती हैं प्यालियाँ, गिरे की पहाड़ी की और जो है रिंगनेक की, दो दिन में एक दफ़ा धुलती हैं। तो ये भी हमने पहले पानी डालेंगे, और ये देखिए ये तीन टुकड़े लौकी के हैं, तीन टुकड़े हम सेब के डाल देंगे, और ऐसे ही फिर बीच की प्याली ना धोएं। बीच की प्याली भले थोड़ी बहुत गंदी हो तो चलेगी, क्योंकि वैसे बीच सूखे होते हैं तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता, लेकिन पानी की और खाने की प्याली लाजमी धो लें। दोबारा पानी आ गया। ये तीन टुकड़े सेब के डाल दिए, इसमें भी देखिए चार टुकड़े लौकी के, और बीज भी थोड़े से डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ बीज तीन दफा डलते हैं, दो दफा डलते हैं, उसकी भी आपको बाहर बताते हैं कैसे डलते हैं।
एक अभी ऐसे ही ध्यान से बंद कर देंगे, खाना खा लेंगे। अभी ऐसे ही सुबह सबका दाना पानी हो जाएगा, अभी सारे भूखे हैं, सबका खाना पानी तैयार है। वीडियो के लिए रोका हुआ था, अभी आपके सामने जो सबका कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको दो का करके दिखाया, सब बाकी सबका भी कर दिया, आपको दिखा दूं बाकी सबका कैसे किया। देखिए ये थोड़ी सी मूंगफली दलती है इनको बीज, और ये माशाल्लाह सब कुछ खाते हैं। आपके पैरेट जो चीज ना खाए उस चीज को आप जो है छोड़ दें, दूसरी चीज ट्राई कराएं। देखिए अभी तो सिर्फ दाल है, बाकी जब मैं जाऊंगा, गिरे पैरेट बहुत सेंसिटिव होता है, तो जब मैं बाहर जाऊंगा तभी जो है खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपको हमारा एरिया नजर आ रहा है, ये रिंगनेक और दो तीन जोड़े इसमें कॉकटेल के हैं, तो ये भी अपने लिए बेचने के लिए नहीं है, ये मतलब जो किसी ने रोके हुए या बच्चे हैं तो बुक हुए हैं, बाकी सारे मेरे पास इसमें कॉकटेल ही थे, तो ये सब मैंने कॉकटेल फारिग करके सब मैं रिंगनेक डाल दिए हैं। इनकी भी सारी प्यालियाँ तैयार है, सिर्फ डालते हुए दिखाएंगे, तो वैसे ही करेंगे इनका भी, तो वैसे ही करेंगे जैसे सबका किया था। और इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इनको जो बीज डालते हैं, गिरे के बीज मैंने आपको दिखाए बड़े वाले होते हैं मोटे वाले, इनको ये छोटे वाले बीज डलते हैं, क्योंकि ये छोटे वाले बीज शौक से खाते हैं, इनकी चोंच छोटी होती है, तो ये वाले बीज ज्यादा शौक से खाते हैं। तो ये वाले बीज डलेंगे, पानी डलेगा और सिर्फ लौकी डलेगी, सेब ये इतने शौक से नहीं खाते, सेब सिर्फ हम लॉरी को डालेंगे, जो हमारे पास लॉरी की बीज भर लेंगे, पानी हो जाएगा। और इनको मूंगफली भी नहीं डालेंगे, और भुट्टा डाल के इनको फिर जो है बस हो जाएगा इनका, यही डाइट है इनकी। बाकी आए आपको जैसे कि हमने आपको सबको करके दिखा दिया, पहाड़ी को दिखा दिया, पीछे सबका कर दिया, अंदर सबका करके दिखा दिया आपको, ये रिंगनेक का भी अल्हम्दुलिल्लाह सबका हो गया, इनका भी दिखा देते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया सबको सिर्फ बीज और लौकी डलेगी, ये सारे जोड़े आ गए रिंगनेक के, इसी तरीके से सबको डल जाएगा, अभी भुट्टे डल जाएंगे, और ये जो है, लॉरी को सिर्फ सेब डलते हैं। सेब देखिए माशाल्लाह कितनी क्वांटिटी में डाले हुए, क्योंकि ये टोटली सेब और भुट्टे पे जो है ना जिंदगी गुजार रही है, और बाकी इनका नेकटेज बनता है वो दो तीन दिन में इनको दिया जाता है। तो ये आज हमने आपको जो है मॉर्निंग रूटीन दिखा दी है, रात की रूटीन दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ जो है हमने जैसे अभी दाना डाला है बीज, रात को सिर्फ बीज रिपीट हो जाते हैं और भुट्टा डल जाता है। भुट्टा मैं सुबह भी डाल रहा हूँ, रात को भी डाल रहा हूँ, आधा भुट्टा अभी डल जाता है गिरे को, और आधा रात को डल जाता है पहाड़ी को, भी आधा अभी डलता है, आधा रात को डलता है, और रिंगनेक को दिन में एक दफा डलता है, और कॉकटेल को भी दिन में एक दफा डलता है। तो अभी हमने रिंगनेक को डाल दिए हैं और बाकी आपको दिखा देते हैं डाल दिए। ये देखें अभी सारी तकरीबन की मादाएं अंदर है, इसकी मादा अंदर है, इसकी मादा अंदर है, और जो है जब हम जाएंगे तभी आराम से रिलैक्स होके आएंगे, तभी इनका जो है खाना पानी शुरू होगा, अभी कुछ भी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये आज हमने आपको जो है मॉर्निंग रूटीन दिखा दी है, रात की रूटीन दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ जो है हमने जैसे अभी दाना डाला है बीज, रात को सिर्फ बीज रिपीट हो जाते हैं और भुट्टा डल जाता है। भुट्टा मैं सुबह भी डाल रहा हूँ, रात को भी डाल रहा हूँ, आधा भुट्टा अभी डल जाता है गिरे को, और आधा रात को डल जाता है पहाड़ी को, भी आधा अभी डलता है, आधा रात को डलता है, और रिंगनेक को दिन में एक दफा डलता है, और कॉकटेल को भी दिन में एक दफा डलता है। तो अभी हमने रिंगनेक को डाल दिए हैं और बाकी आपको दिखा देते हैं डाल दिए। ये देखें अभी सारी तकरीबन की मादाएं अंदर है, इसकी मादा अंदर है, इसकी मादा अंदर है, और जो है जब हम जाएंगे तभी आराम से रिलैक्स होके आएंगे, तभी इनका जो है खाना पानी शुरू होगा, अभी कुछ भी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। बाकी बता दिया हम डाइट में ये दे रहे हैं, बाकी आप क्या दे रहे हैं वो बिल्कुल बताएं। और जो है बाकी सीजन में हम लोग अमरूद देते हैं, अभी फिलहाल यही आ रहा है सीजन में, बाकी गाजर दें, खीरा दें, और बाकी भी जो भी आपको सही लगता है दें, सिर्फ जो है केला मत दें अपने परिंदों को, उससे कब्ज हो जाती है, मसला होता है। और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी नहीं दें, खट्टी चीज़ें नहीं दें, और जो है जो भी खट्टी चीज़ें वो नहीं दें, बाकी केला नहीं दें, बाकी कुछ सब कुछ दें, भुट्टा नरम दें, सख्त ना दें, सख्त भुट्टा देने का फ़ायदा नहीं है, वो नहीं खा पाएगा। बाकी फ़िलहाल के लिए यही है, बाकी HSM बर्ड्स को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।